उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई है। यह तस्वीर समाज के सबसे बड़े गुनाह की सबूत है। इस मासूम की लाश इंसानों के समाज में शैतानों की पैदाइश की निशानी है। दिल दहला देने वाली वारदात शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में हुई है, जहाँ एक ओर लोग गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर 5 साल के मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई है। कयास से लगाए जा रहे हैं कि मासूम को पड़ोसी युवक अपने घर ले गया और फिर मासूम के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद बहुत दरिंदे ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया, तो वो तुरंत वापस, हमने जो बच्चा खेला बच्चा तुरंत वो वापस चला गया। अब कैसे चला गया ये नहीं हमें के बारे में मालूम है। वो वापस चला गया उन्हीं घर में। उसके बाद हम एक डेढ़ घंटा हो गया खाना खाने के बाद में, जाने के बाद में हम दुकान के लिए गए। उसके बाद ही 10-15 मिनट बाद में फोन आ गया कि बच्चा नहीं मिल गया। तो हमने तुरंत फोन से ही कहा घर वालों तो क्या ऐसा है, सिवा घर पे देख लो जाके, वो उधरी खेल रहा था। तो अचानक सब लोग घर पे गए तो उनके लड़के का ताऊ भी गया साथ में, उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं कहाँ है। तो उनके महेंद्र जो ताऊ है लड़के, वो गया घर पे, वहाँ देखा रजाई में लिपटा हुआ पड़ा हुआ था, और आपके बच्चे के साथ बच्चे के साथ रेप करा था, लाइटिंग रहा, अब काफी सारा खून निकल रहा था, बहुत गलत काम करा उसने। उसके बाद फिर हत्या भी करते क्या? उसके बाद वो हत्या हो गई है, और हत्या करने के बाद हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं तो चाहता हूं कि उसे फांसी दे दी जाए, कि दे दी जाए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा गलत काम करने के लिए कोई भी इच्छा ना जताए, हम यही चाहते हैं। और बच्चे का गला भी घोटा गया क्या? गला नहीं घोटा गया, उसी के राज ऐसी चीज करी गई तो उसकी दम टूट गई, वो सह नहीं पाया, उसकी दम टूट गई, वो खत्म हो गया है। ये बताइए आपके बच्चे के साथ में क्या हुआ? हाँ, बच्चे के साथ में बलात्कार हुआ। किसने किया? अब जो तो पता हमें भैया ना ये है कि उनके पप्पू के घर में रजाई मिलो, महेंद्र लेकर महेंद्र देखो मैं हमें ढूंढते रहे थे, तो हम ढूंढते आए, तो महेंद्र का अपने घर गया, पप्पू घर में गया, मकान एक ही में, तो महेंद्र ने देखो रजाई घर की, तो महेंद्र ही लेके आके चाची देखो चाची देखो जो तो यहाँ ऐसा जो कोई से तब उतर गए हम लोग ले आए यहाँ ही नहीं हमने उसको देखी चड्डी उतारी जो तो भाई हम पता नहीं है कि सिवान करो है कि किसी और न करो सिवान करो और क्यों ना करो सिवान करो। जो बच्चे के साथ घटना घटी है किस तरीके से घटना घटी? मेरे पास एक बच्चा आया था सदर थाने से, मृत अवस्था में लाया गया था, परिजनों ने संदिग्ध अवस्था में मृत्यु का आशंका पे उनको मोर्चरी में रखवा दिया गया। क्या बताया परिजनों ने? नहीं इसके बारे में।